मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो हिजरी साल 1441 की ईद का दिन है, पहली शवाल, उसको मैं डेडिकेट करना चाहूँगा हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स, हमारी नर्सेस, हमारे वो लोग, उनमें हमारे सफाई वाले लोग, सैनिटरी वर्कर्स जो कोविड पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, वार्ड बॉयज, फिर हमारी पुलिस के फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन्होंने इस पूरे वक्त में और आगे भी उन्हें करना है इस कोविड की जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो रेंजर्स के हमारे दोस्त, मैं उन सबको डेडिकेट करना चाहूँगा। पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त तक रिकॉर्ड है, ऑब्वियसली ये बढ़ता रहता है, 1415 डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, हेल्थ सेक्टर के लोग इन्फेक्ट हुए हैं, जो तकरीबन 3% बनता है जो टोटल इन्फेक्शंस का। सूबह सिंध में 364 हमारे हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड लोग, और इसमें मैंने कहा इसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस, हमारे बाकी वर्कर्स जो कोविड पेशेंट्स के साथ अस्पतालों में काम कर रहे हैं वो सब शामिल हैं। 27 उनमें सेहतियाब हो गए 364 में से, और 7 हमारे डॉक्टर्स शहीद हुए। मैं उनका नाम लेके उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, डॉक्टर अब्दुल कादिर सुमरो, डॉक्टर अब्दुल हक, डॉक्टर जुबैदा सिराज, डॉक्टर फुरकानुल हक, डॉक्टर अंसार इब्राहिम, डॉक्टर बशीर कासिम और डॉक्टर नवाज़ गाहोटी।